ऑडियंस, आज हम फिर से बात करने वाले हैं मसाज प्रैंक के बारे में, जो सिर्फ लड़कियों और महिलाओं पे ही की जाती है। इसे देखने के बाद तुम्हें भी प्रैंकस्टर बनने की नाकाम इच्छा की उत्पत्ति होगी। तो हाय गाइस, माय नेम इज उमर और आज हम लोग आए हैं एक गान फाड़ू प्रैंक लेके। आई होप आप लोगों को मजा आएगी देख के। वेरी नाइस, वेलकम। ऐसे ही तो करते हैं। नहीं इनकी तुम पता है इसे गाड़ फाड़ प्रैंक क्यों करते हैं? किसी इस प्रैंक को करने करते इनकी गाड़े फट जाती हैं, इसीलिए इसे गाड़ फाड़ प्रैंक। सारे देश का ठीका अकेले ले रखा है। नहीं वो किस तरफ से तुझे परेशान देख रही है? परेशान वो नहीं, बेटा परेशान तो तू होगा जब इसके पीछे पड़ेगा। इनकी लाइफ में कोई अच्छी चीजें नहीं होती है, ये बस जहाँ किसी अकेली लड़की को या किसी औरत को देखते हैं बस वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी परेशानी पूछने नहीं, वो क्या परेशानी छत पे लेके घूम रही या फिर अपने सर पे लगा के घूम रही कि वो परेशान है? और तुमने झिझका था? बिल्कुल नहीं यार, ये बहुत ही लड़का है, तभी तो ऐसी वीडियो बना रहा है ना। तुम्हें लग रहा है ये लड़की की परेशानी पूछने आया कि नहीं? तुम्हें पहले ही बता दूं, ये परेशानी नहीं कुछ और ही पूछने आया। हाँ, धीरे धीरे आने वाली चीज है, वो तेजी से नहीं बढ़ती है ना। तू भागने की जरूरत क्या है? तू जो घूम घूम के आने वाला था वो लड़की सीधे डायरेक्ट आ गई है। अब बादम, टाटा, बाय बाय, देन, बस इन्हें यही लगता है यार। किसी भी लड़की को एक जगह देखते तो उनके पास पहुंच जाते हैं प्रैंक करने, और ऐसे प्रैंक पे व्यूज भी तो चाप के आते हैं ना। नहीं मतलब इसमें करना क्या होता है? बस तुम्हें एक वीडियो पोस्ट करनी है अश्लीलता से भरी, और उस पर ऐसे थंबनेल लगाने हैं जो पोस्ट वीडियो पे भी नहीं लगा रहते हैं, ऐसे ऐसे लगा, उसके बाद तुम्हें पोस्ट कर दो। उसके बाद तो ठरकी लौंडे आकर उसे भर भर के लाइक और व्यूज देंगे और सब्सक्राइबर भी गिन होते हैं। और कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है या फिर कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसे यूट्यूब पे लाइक, कमेंट, शेयर और वायरल नहीं होना है यार। और जब वायरल ऐसे ही चीज़ों से की हो जाते हैं लोग, तो अच्छी चीज़ें अच्छे कंटेंट बनाने की जरूरत क्या है? ऐसे ही चीज़ें बनाते पूरे ये वीडियो बनाने के बाद वायरल हो जाते हैं, तो ऐसी ही वीडियो बनाएंगे वो। और गलती इसमें इनकी नहीं है, इनमें तुम्हारी गलती है। तुम अगर ऐसी वीडियो को देख के सपोर्ट करते हो, उन्हें लाइक करते, शेयर करते हो, और तुम्हें भी मजा आता है देखने में ना, लेकिन ऐसी वीडियो तुम समझ लो, अगर ऐसी वीडियो वायरल होने से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सोच लो ये एक स्क्रिप्टेड है, लेकिन अगर ऐसा किसी और के साथ रियल में हुआ तो कैसा लगेगा? तुम तो इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम ऐसी वीडियो देखते हो, कभी भी कहीं भी कहीं पर भी देखते हो, तो उसे रिपोर्ट करो, डिसलाइक करो, ताकि वो वीडियो आगे ना जाए या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी वायरल ना हो। ऐसी चीज़ें बहुत ही बेकार होती है यार, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। मस्ती में फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेटा थ्रिलर।